तो दोस्तों आइए आपको आज मैं बताता हूं इंडियन स्टाइल में सारेगामा जो हम गाते हैं उसको हम कॉर्ड में कैसे बजाएं। मैं आपको हर स्केल से सारेगामा बजा के दिखाऊंगा और उसमें क्या कॉर्ड लगना चाहिए, कभी माइनर लगेगा कभी मेजर लगेगा, तो आप वो देखिए। यही नियम आप कहीं से भी बजाएंगे, फॉलो करेंगे किसी भी कीज से, तो आपको वही नियम फॉलो होगा। तो आज मैं आपको सी से बताऊंगा क्योंकि सी से बजाना आसान होता है। सी के सारे नीचे कॉर्ड्स हैं व्हाइट वाले, सी को सा मान के मैं आपको बताता हूं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपको हमारे सारे स्वर हो गए, सातों स्वर हो गए, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, सारे गामा पतनिसा की पोजीशन क्या है, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये हो गया पहला, सा हो गया पहला, दूसरा किस कौन हो गया रे, ये तीसरा क्या हो गया ग, चौथा क्या हो गया म, पांचवा क्या हो गया पांचवा किस प, छठा किस ध, सातवां किस नी, ठीक है। ये जो है आपके कीज नंबर हो गए, कीज के मैं नंबर बता रहा हूं क्योंकि नंबर के हिसाब से मैं आपको कॉर्ड समझा दूंगा। अगर आपको ये नंबर याद हो जाएगा तो यही नंबर्स का जो नियम है वो आप किसी भी नंबर से, किसी भी कीज से आप बजाएंगे तो ये नंबर आपको काम आएगा। जैसे सपोज आपको यहां से सारेगामा बजाएंगे तो यहां से जो मैंने सारेगामा का नियम बताया आपको कॉर्ड्स का, वो यहां भी फॉलो होगा। यहां से भी जब बजाएंगे, यहां से भी जब बजाएंगे, आप यहां से भी बजाएंगे, यहां से भी सारेगामा बजाएंगे, तो आपको एक ही नियम फॉलो होगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉर्ड, सा को बोलेंगे फर्स्ट कॉर्ड सा। तो जब हम सा गाएंगे तो सा फर्स्ट कॉर्ड मेजर होगा। नियम नंबर एक, फर्स्ट कॉर्ड विल बी मेजर, पहला कॉर्ड मेजर होगा। सा गा पा, ये नियम है, देखिए आप। दूसरा कॉर्ड रे जो आता है, रे हम माइनर होता है, रे रे जो है रे से माइनर कॉर्ड बनेगा, रे माधा, रे माधा का कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि हमें प्ले करना है। कॉर्ड जो प्ले करूंगा मैं इसी रूट में प्ले करूंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा, वो अलग चैप्टर आता है। ये सारे शुद्ध स्वर का मैं अभी आपको कॉर्ड बता रहा हूं, तो रूट में मुझे चलना पड़ेगा। तो रे मा धा, ठीक है। तो रे को सेकंड कॉर्ड बोलते हैं, ये सेकंड कॉर्ड मेरा माइनर हो गया, ठीक है। अभी थर्ड नंबर की जाता है ग, ये भी हमारा माइनर बनता है, ग पानी ऐसा बनेगा। आप ये कीज लिखते जाए और लिखते जाइएगा, ऐसे मैं भी आपको लिख के दे दूंगा, ग पानी थर्ड कॉर्ड माइनर, ठीक है। तो वन टू थ्री कॉर्ड मैंने आपको बता दिया, चौथा कॉर्ड म से, फोर्थ की से माधा सा, तो माधा सा, ये म से, यानी फोर्थ कॉर्ड हो गया मेजर। फिफ्थ कॉर्ड भी मेजर बनेगा, फिफ्थ कॉर्ड यानी पांचवा, प है पांचवे पे, पानी रे, ये तीन कॉर्ड। सिक्स कॉर्ड माइनर होगा, धा सा गा, ऊपर का गा, ठीक है। अब नी, सेवंथ कॉर्ड का जो है ये थोड़ा अलग है, स्पेशल कॉर्ड है, रे नी मा, ये डिमिनिश कॉर्ड है क्योंकि यहां से अगर हम कॉर्ड बनाने जाएंगे तो सागा प का कॉर्ड जो है ये आता है प में, सा रे गा मा पा, तो लेकिन रूट से बाहर है ये, इसके लिए हमें ये नियम से डिमिनिश हो जाता है। लेकिन चूंकि डिमिनिश कॉर्ड ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए इसको कुछ ना कुछ मेजर या माइनर में लाऊंगा मैं, तो नी रे प लगेगा यानी कि जी कॉर्ड बन जाएगा, प नी रे, ठीक है। तो यानी सेवंथ वाला जो है वो मेजर बन गया, जी मेजर, डिमिनिश ना लगा के जी मेजर बना दिया है उसको, ठीक है। अब आपको सेवंथ कॉर्ड को आप माइनस कीजिए, अभी समझने के लिए मैं आपको फिर से बताता हूं। पहला कॉर्ड हमारा मेजर, सेकंड कॉर्ड माइनर,
थर्ड कॉर्ड भी माइनर, फोर्थ कॉर्ड वो भी वो मेजर, फोर्थ कॉर्ड मेजर, सिक्स्थ कॉर्ड मेजर, सेवन्थ कॉर्ड माइनर। ये अगर नियम आपको याद रखेंगे तो आपको सारे गमों पता नहीं, कहीं से भी आप बजाएंगे ना तो आप आराम से कॉर्ड बजाते चले जाएंगे। देखो आप मेजर सा रे माइनर ग माइनर मा से मेजर पा से मेजर धा से माइनर, बस ये याद रखना आपको। तो सा मेजर मा मेजर पा मेजर, यानी सा मा पा याद रखिएगा, मेजर स्वर, तीन मेजर स्वर हो गए और तीन माइनर स्वर रे ग और धा, ठीक है। अब आपको यही फॉर्मूला मैं ऊपर से बताता हूं आपको। सा रे ग मा प ध नी सा नी ध म ग रे सा, अभी आपका सा ये हो गया पहली काली, तो आप इसको भूल जाइए, जो लिखा है मैंने इसको आप भूल जाइए। अभी आपको सी शार्प से मैं सारे गमा सिखाता हूं और वहां से हम मेजर माइनर यही फॉर्मूले पे आगे बढ़ेंगे हम। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, पहला स्वर सा ग प मेजर स्वर का रहेगा, सा मेजर बनेगा, रे माइनर रहेगा, ये माइनर, रे मा धा ग प नी यानी माइनर, थर्ड स्वर माइनर, फोर्थ ये मा मा मेजर मा धा सा, ठीक है। पांचवा स्वर पा होता है, फिफ्थ कॉर्ड मेजर सा ग पानी रे ऐसा होगा, सिक्स्थ कॉर्ड माइनर धा सा ग, ठीक है। अब इसके नाम होते हैं, ये हुआ सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर ग में रे में, जब हम ग बजाते हैं ग तो एफ माइनर बन जाता है, जब म बजाते हैं तो उसमें एफ शार्प मेजर बन जाता है, प जब बजाते हैं प में जी शार्प मेजर बन जाता है, ध में आपको ए शार्प माइनर बन जाता है। तीन मेजर तीन माइनर से आपका सारे गामा पधनी से काम हो जाता है, ठीक है। और नी तो आपको नी जब आता है तो उसको आप जी शार्प ही लगता है, जी शार्प और नी पानी दे ये लगेगा नी में, ठीक है। और सा में फिर वही पसागा यानी सी शार्प मेजर। तो ये सिक्स्थ कॉर्ड आप याद रखिए, सिक्स्थ कॉर्ड के नियम, तो आपको कहीं से भी बजाने में दिक्कत नहीं होगी सारे गामा पा ध नि सा को कॉर्ड में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊंगा, उसमें मैं कुछ और कॉर्ड के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर ये शुद्ध है, शुद्ध तो आपने बजा लिया, लेकिन अगर कभी कोमल रे वाला कोई गाना आ गया, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं आपको गाने में यूज करना है, सिर्फ सारे गामा नहीं गाना, इसलिए मैं चाह रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। सारे गामा में आज समझाया, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और थाट्स जो होते हैं, मतलब जिसमें कि कोमल रे यूज होते हैं, जिसमें कि कभी कभी प नहीं लगता, वो राग में आप कैसे कॉर्ड बजाओगे, ये सब मैं अगले लेसन में आपको बताऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गाने के साथ कैसे बजाओगे, असल परीक्षा आपकी वहीं पे है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं पे आपको यूज करना है एक्चुअली गाने के साथ, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, थैंक यू।